भले ही स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने हाथ में ले रखा है और उसे सही तरीके से चलाने के लिए लगातार लाख प्रयास कर रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री के विभाग के अधिकारी उनके ही दामन पर दाग लगाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आलम यह है कि लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा अस्पताल पर कार्रवाई करने के बाद अस्पताल संचालक सरकारी सील को तोड़कर अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, भूले से यदि कोई अधिकारी इन पर कार्रवाई कर देता है तो फर्जी अस्पताल के संचालक कानून व्यवस्था को जूतों के तले रखते हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं। ताज़ा मामला बाजपुर के दोराहा का है, जहाँ SCMO अविनाश खन्ना ने बीते 4 दिन पूर्व फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई की थी और 3 अस्पतालों को सील किया था, लेकिन दोराहे पर स्थित वरदान हॉस्पिटल के संचालक ने अधिकारियों के बिना अनुमति के सरकारी सील को तोड़कर अस्पताल में मरीजों को देखना शुरू कर दिया, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। देखिए, लाइफलाइन अस्पताल की शिकायत पहले भी मिली थी हमें, उसी क्रम में जो है जाँच कमेटी बैठी हुई और उसकी जाँच जो है भी विचाराधीन है, चल रही है, और जैसी जाँच पूरी होगी तो उसकी पूरी खबर जो है उसको अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, वरदान अस्पताल जो है 2-3 दिन हो गए थे बंद किए हुए, उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था कि तत्काल जो है, चूंकि हमने टेम्परेरी सील करा था कि उनके पास दस्तावेज उस दिन मौके में मौजूद नहीं थे, और अब 72 घंटे में होने में अभी 1 दिन शेष है। उसके बाद यदि वो अपने दस्तावेज और चिकित्सक से अपना वो दिखवाएंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे, तो उसके बाद जो उनकी टेम्परेरी सील को जो है खोल दिया जाएगा, ऐसा उन्हें आश्वासन दिया। वहीं दूसरा मामला बाजपुर के लाइफलाइन अस्पताल का है, जहां बीते कुछ माह पूर्व एक महिला द्वारा अपना उपचार कराया गया था, लेकिन अस्पताल में एनेस्थीसिया देने के लिए जिम्मेदार डॉक्टर मौजूद नहीं थे। अस्पताल में चिकित्सक द्वारा महिला को 20 से 25 बार एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था, जिसकी शिकायत पीड़िता की पुत्री निकिता सागर ने स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों की एक टीम ने लाइफलाइन अस्पताल में जांच की थी, जिसमें लाइफलाइन अस्पताल पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ था। लेकिन इसके बावजूद अभी तक अधिकारियों की मेहरबानी इस अस्पताल पर बनी हुई है। यही कारण है कि आज भी फर्जी अस्पताल बिना किसी रोक टोक के संचालित किया जा रहा है। ऑपरेशन कराया था हमने लाइफलाइन हॉस्पिटल में कराया था, ठीक है। ऑपरेशन कराने के बाद हमने CM पोर्टल पे दिया था, यहाँ तक कि हमने सभी को एप्लीकेशन देती थी, CMO साहब को दिया, DM साहब को दिया, बाजपुर कोतावली में एप्लीकेशन दी गई, वहाँ से CO साहब ने तो हमको उल्टे पैर वापस ही भेज दिया था। यहाँ पे इसके पास डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर ना होने के बाद भी इसने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने के बाद भी जब प्रॉब्लम आई है, जो इसने एनेस्थीसिया दिया था, प्रॉब्लम आने के बाद जो भी हुई है मम्मी को, हमने इसको बोला कि इसका ट्रीटमेंट क्या है आगे, इसने हमको उल्टे पैर वापस भेज दिया। यहाँ तक कि जिसने एनेस्थीसिया ट्राई किया था वो डॉक्टर हमसे बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना अधिकार इनको किसने दे रखा है, इनके पास डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमने प्रशासन में हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? यहाँ तक कि यह प्रशासन वाले इसके साथ मिले हैं, पैसा खिला रखा है, क्या है? अभी तक 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करें? अभी तक हमें कुछ तो थोड़ा बहुत बताएं। यहाँ से ऊपर से अगर कोई जाता है तो ऊपर से इसके डॉक्टर भी नहीं है, जो भी स्टाफ वाले हैं वो हमें बदतमीज़ दिखाते हैं। यहाँ तक कि असगर अली जो यहाँ का मालिक है वो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ दिखाता है, ऊपर से कहता है कि जो मेरे से तुम लोगों से करा जाए वो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता जा रही है। वहीं जब इस मामले में बाजपुर SDM AP वाजपेयी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बाजपुर के 2 अस्पतालों का मामला सामने आया है, जिसकी स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर CMO को भेजी गई है और जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, 2 मैटर यहाँ पर अभी संज्ञान में आए हैं। अभी हाल में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल को सीज करके गई थी, ऐसा बताया गया है, तो उसमें से किसी एक अस्पताल द्वारा उस सील के साथ छेड़छाड़ करके पुनः संचालन की खबर मिल रही है। उसके एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को इसको सूचित किया जा रहा है कि इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। दूसरा एक और प्रकरण है, उसमें हाल में ही स्वास्थ्य विभाग ने जांच की थी और उसकी स्थानीय स्तर पर जो रिपोर्ट थी वो सितंबर माह में CMO को भेजी गई है कि वो हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर पद्धति के लिए मात्र पंजीकृत है, उसके बाद भी वहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं ये जाँच में पाया गया है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए यहाँ से संस्तुति गई है। वो जिला स्तर पर कहाँ पेंडिंग है, अभी CMO साहब से बात करके उसका समाधान किया जाए। सर क्या ऐसे है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी परिसर को अगर किसी संस्था किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस पर कोई कार्रवाई की गई है, सील किया गया, उसके साथ बिना सक्षम आदेश के उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसमें यकीन है उस पर विधि वैधानिक कार्रवाई बनती है। और जो दूसरा प्रकरण है उसमें भी स्थानीय स्तर से जाँच होके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए और
गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सत्ता संभालते ही जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने का निर्णय लिया था, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के विभाग के ही अधिकारियों की कार्यशैली पूरे विभाग को बदनाम करने का काम कर रही है। अधिकारियों की कार्यशैली से ही सीएम त्रिवेंद्र रावत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मसले पर गंभीर होते हैं या अधिकारियों की मेहरबानी इन अस्पतालों पर बनी रहेगी। उधम सिंह नगर से यामिन मलिक की रिपोर्ट।